We are being suffered for no fault of our mind. हमने क्या किया? अगर लड़ाई दो गनमैन के दरमियान चल रही है, वहां भी गनमैन है और यहाँ भी गनमैन है, और हमें बीच में फंसाया जा रहा है, आज हमारा बेटा हमसे छीना गया, हम सवाल करते हैं, वही आस्क क्वेश्चन कि हमें बताओ कि हमारा बेटा क्यों छीन लिया गया? घर में सुबह थे सहरी खाने के लिए, ये दीवार से छलांग करके अंदर आए थे, फिर हम दोनों भाइयों को घसीट के लिए, फिर बोला कि यहाँ पे तलाशी करनी है आगे वाले मकान में। जब हम कोचे पे आगे आ गए तो उन्होंने पीछे से फायरिंग की, फिर मेरे को टांग कर लग गई, दूसरे भाई का मुझे पता ही नहीं था। खुद छुप जाते हैं, लेकिन हमारे जो बच्चे होते हैं, जवान बच्चे होते हैं, बेगुनाह होते हैं, मासूम होते हैं, उनको आगे सामने करते हैं और उनको मरवाते हैं, खुद मरवाते हैं, और फिर शाम को जो उनका अपना मीडिया है, जो माफिया मीडिया है, उसके जरिए कहते हैं कि दे ही वाज द पर्टिकुलर पर्सन वाज किल्ड इन क्रॉस फायरिंग। मैं अपनी इस भांजे की मिसाल दे दूं, उसका कोई ताल्लुक नहीं था, इतना शरीफ था, इतना हम्बुल था, इतना काइंड हार्टेड था, इतना सॉफ्ट स्पोकन था, उसका कोई ताल्लुक नहीं था। हाँ, वो एक काम करता था, एक रिलीजियस ऑब्लिगेशन करता था, वो बच्चों को कुरान शरीफ पढ़ाता था। लड़के शहीद एस पी सब वनकारस पे सोरे अपुज वन एस पी एस सद लुकन गम सहन सचाई सोरे अपुज इस ऑफिसर उस कर मतलब इंचार्ज आर्मी लीड तमिस खिलाफ गस कारवाई कर तम क्या नियो ये बच्चे अम सको वाद बन वापस यम मतलब कुन मज मुलवस मतलब आग बच थो अडमो मतलब हायर अडलो कर शहीद। हम हिंदुस्तान के दुश्मन नहीं है, हम हिंदुस्तानी लोगों के दुश्मन नहीं है, लेकिन हम उन लोगों के दुश्मन है जिन्होंने कश्मीर के साथ जिंदोइज्म की पॉलिसी अपना रखी है। पीपल आर सिटिंग इन दिल्ली, हम उन्हें गोश गुजार करना चाहते हैं, हम उन्हें बताना चाहते हैं, और उसके साथ साथ हम इंटरनेशनल जो ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन जो है, जो दर्जल रखने वाले इंसान हैं, हम कश्मीरी बहसीती कौम उनसे ये बताना चाहते हैं कि हमारे साथ